वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने बात करेंगे क्लास 11th की हिंदी मीडियम और अपने चल रहा था अक्षीकरण अंक और अपने टॉपिक चल रहे थे अक्षीकरण अंक के नियम। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट नियम की। धीरे धीरे पढ़ेंगे सारे नियम, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी नियम के आधार पर अपना नेक्स्ट टॉपिक है और वही पूरा बेस है अपने चैप्टर का, संतुलित करना रेडॉक्स अभिक्रिया को। तो थोड़ा ध्यान से समझना, ये टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगे वाले टॉपिक के लिए। देखिए भी अपने चल रहा था अक्षीकरण अंक का नियम। देखो अपनों ने बात की ऑक्सीजन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, जटिल आयनिक यौगिकों के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट नियम में हैलोजन के बारे में। हैलोजन देखो भी, हैलोजन अपने जानते हैं सामान्यतः जितने भी हैलोजन परमाणु किसी यौगिक में उपस्थित होते हैं उनका ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। कहने का मतलब ये है उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, वो ज़्यादातर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसमें कुछ अपवाद भी है जिनका अध्ययन अपने यहाँ पे करेंगे। देखिए सबसे पहला नियम क्या आ जाएगा, हैलोजन परमाणु हैलोजन परमाणु जानते होंगे एक्स प्रदर्शित करते हैं, इसको क्या हो जाएगा आई बी आर सी एल और इधर की तरफ आ जाएगा एफ। हैलोजन परमाणु सामान्यतः -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। समझ जाना -1 ऑक्सीकरण। अब आ गया अपना अपवाद, कहां कहां पे हैलोजन का अपवाद है वो देखिए। पहला अपवाद बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैलोजन अणु में हैलोजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंग कितना होता है, जीरो होता है भाई, शून्य होता है, जीरो होता है। देखिए जैसे एग्जांपल दोनों के बता देते हैं, सारे अपवाद के लेंगे अपने एग्जांपल। दूसरा अपवाद अपने क्या है इसमें, पहला अपवाद Cl क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन धनात्मक ऑक्सीकरण अंक भी प्रदर्शित करते हैं, केवल एफ आगे क्या बात समझ में। अब देखो उदाहरण लेते हैं, पहला पढ़ा अपनोंने हैलोजन परमाणु सामान्यतः -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पे अपने आ जाएगा NaCl,
पूछ लिया क्लोरीन का, तो देखो यहाँ पे अपने को पता है सोडियम कितना होता है प्लस वन, वर्ग एक का तत्व हमेशा कौन सा ऑक्सीकरण अंग प्रदर्शित करता है प्लस वन, तो यहाँ पे हैलोजन क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली माइनस। और अपने को पता है किसी भी यौगिक में आक्षिक परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर होता है जीरो के, तो आ जाएगा NaCl बराबर क्या आ जाएगा जीरो। निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो, इसका मान लो अपने को निकालना है इसका, तो इसको अपने क्या मानते हैं प्लस वन, प्लस में इसको मान लिया x बराबर क्या आ जाएगा जीरो, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस वन। पहली लाइन होगी कंप्लीट हैलोजन परमाणु सामान्यतः क्या प्रदर्शित करते हैं माइनस वन ऑक्सीकरण अवस्था। अब आते हैं दूसरे वाले अपवाद पर, हैलोजन अणु में हैलोजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक जीरो होता है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इधर लिख दूँ Cl2 में आपसे पूछ ले क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, क्या होगा Cl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या होगा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। आगे क्या बात समझ में, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा जीरो। एनी प्रॉब्लम्स, आगे देखो नेक्स्ट अपवाद और रह गया अपने, IBrCl धनात्मक ऑक्सीकरण अंक भी प्रदर्शित करते हैं। कहाँ कहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, ज़्यादातर ऑक्सीजन वाले अम्ल युक्त यौगिक, जैसे मैं उदाहरण ले लूँ HClO3, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया। आपसे यहाँ पे पूछ लिया निम्नलिखित रेखा की परमाणु का ऑक्सीकरण अंक क्या है, तो यहाँ पे माइनस वन नहीं होगा, ये अपवाद है। मैंने पहले ही बताया था क्लोरीन क्या होता है कुछ जगह पर धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। चेक कर लेते हैं अपने, मैंने तुम्हें बताया था ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग क्या होता है शून्य, तो अपने निकालने से पहले अपने देखें योग शून्य लगाएंगे, इधर की तरफ क्या आ जाएगा HClO3 बराबर में क्या आ जाएगा जीरो। अभी आप ही देखो क्लोरीन को कर लेंगे अंडरलाइन, था ही अपने, ठीक है निकालना इसको है। सबसे पहले हाइड्रोजन बताओ यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन सामान्यतः कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था रखता है प्लस वन, पीछे वाला पार्ट देखना वरना ये समझ में नहीं आएगा कुछ भी। उसके बाद में क्या देगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सामान्यतः क्या प्रदर्शित करता है ऑक्सीकरण अंग माइनस दो। आगे बात समझ में, आगे देखो क्या होगा फिर क्लोरीन क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन होगा एक्स रख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस वन, प्लस में क्लोरीन क्या आ जाएगा एक्स, ऑक्सीजन क्या होता है माइनस दो, तो तीन गुणा में कितना आ जाएगा माइनस दो बराबर में क्या आ जाएगा वो जीरो। आगे बात समझ में, प्लस वन प्लस में एक्स प्लस, यहाँ पे अगर आप माइनस सिक्स भी लिख सकते हो वरना ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, इधर की तरफ क्या लिख दो सीधा सिक्स बराबर में क्या आ जाएगा जीरो। बहुत से तरीके हैं लिखने के, कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स बराबर सिक्स प्लस में सिक्स माइनस में क्या आ जाएगा वन, और एक्स बराबर क्या आ जाएगा प्लस फाइव, तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है प्लस फाइव होता है। चेक करने के लिए तरीका बताता हूँ, देखो HCl कितना आपने कहने थ्री, और इन्हें क्या आ जाएगा HCl और O कितने हैं थ्री, टोटल योग जीरो होना चाहिए, ये प्लस वन, ये कितना हो गया प्लस सिक्स, तो आपको पता लग गया ऑटोमेटिकली प्लस के छः है, प्लस नहीं तीन दूनी छः कितना आ गया माइनस का छः। अब माइनस के होते हैं उतने प्लस के होते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जितने माइनस के होते हैं उतने प्लस के होते हैं, माइनस के अपने आप ही यहाँ पे कितने हैं अपने पास माइनस के छः है, तो प्लस के कितने होने चाहिए छः होने चाहिए, एक आ गया बताओ कितना रह गया पाँच, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पता लग रहा है ये कितना होगा प्लस फाइव, ये शॉर्ट कट ट्रिक है आप ऐसे बता सकते हो। आगे क्या बात समझ में, यानी प्रॉब्लम्स, तो ये हो गया अपवाद। एक और क्वेश्चन करते हैं ये, क्योंकि ये अपवाद बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और अपवाद करते हैं, दूसरा नंबर का उदाहरण चल रहा है अपवाद का। जैसे आ जाइए Cl2O, इसमें भी क्लोरीन धनात्मक होता है भाई, यहाँ पे अंडरलाइन चेक करना है, निकाल के देख लूँ तो क्या नियम की जरूरत ही नहीं है आपको निकालना आता है तो। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होता है, ये फिक्स है सामान्यतः यौगिकों में होता है माइनस टू, Cl2O दिया है अपने को क्या आ जाएगा टू एक्स,
प्लस में ये क्या हो गया माइनस दो, बराबर में क्या आ जाएगा जीरो। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा दो, x बराबर क्या आ जाएगा दो बटे दो, और इधर से x बराबर किसके बराबर आ जाएगा प्लस वन के। यहाँ तक बोलो समझ में आ गया। अब अपने करते हैं नेक्स्ट नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट नियम कर रहे हैं अपने, जटिल यौगिकों में उदासीन अणु का ऑक्सीकरण अंग शून्य होता है, देखो जटिल यौगिकों में उदासीन अणु कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। उदासीन अणु कौन कौन से होते हैं, CO, NH3 या N, ये आपको किसी भी यौगिक में दिख जाए ना, तो आपको इनका ऑक्सीकरण अंक जीरो लिखना है निकालने से पहले। मेरी बात समझ में आ गई क्या, आपको ऑक्सीकरण अंक जीरो लिखना है, ये तीनों में से मिल जाए आपको। देखो अगर मैं कोई कंपाउंड लिख दूँ, इधर लिख दूँ NI निकल CO, इधर की तरफ लिख दिया 4, इधर दे दिया निकल अंडरलाइन, तो निम्नलिखित रेखांकित तत्व में निकल का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, परमाणु का, रेखांकित परमाणु का। तो अब अपने निकल को चलो यहाँ पे क्या मान लेंगे, निकल को तो मान लेंगे चलो x, ये यहाँ पे हो गया भी x। आगे बात समझ में, अब यहाँ पे CO को क्या मानेंगे, देखो भी CO यहाँ पे उदासीन अणु है इसलिए CO को अपने क्या लिखेंगे, CO यहाँ पे हो जाएगा जीरो। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये उदासीन अणु है जटिल यौगिकों में, तो क्या हो जाएगा x प्लस जीरो इंटू फोर या फोर इंटू जीरो, और बराबर क्या होता है योग जीरो, तो क्या हो जाएगा x प्लस जीरो बराबर जीरो, तो x बराबर क्या हो जाएगा जीरो। आगे क्या, तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा शून्य है, यहाँ तक बोलो समझ में आ गया। अब देखो मैंने चलो आपको ये लिख दिया, ये उदासीन अणु यौगिक में है, अगर ये अकेले हो तब नहीं होगा, जैसे आपसे पूछ लें NH3 या इधर CO, या जैसे NH3 में नाइट्रोजन भी अंडरलाइन कर दिया, ये अणु में अगर परमाणु के अंडरलाइन करेंगे ना तब ये ऑक्सीकरण अंक नहीं होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना होता है, अंडरलाइन किया है अपनों ने, इधर की तरफ नाइट्रोजन हो जाएगा एक्स के इक्वल, हाइड्रोजन किसके इक्वल हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा प्लस वन के इक्वल, तो नाइट्रोजन हो जाएगा एक्स प्लस हाइड्रोजन क्या हो जाएगा प्लस वन इंटू में क्या आ जाएंगे थ्री, थ्री इंटू प्लस वन और बराबर क्या होता है जीरो, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस में थ्री इक्वल क्या आ जाएगा जीरो, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस थ्री, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाएगा माइनस थ्री। ये अगर NH3 किसी यौगिक में होना तो जीरो होगा, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है आगे चलते हैं अपने। अब अपने कुछ उदाहरण लेते हैं और उन उदाहरणों को अपने क्या करते हैं निकाल के देखते हैं ऑक्सीकरण अंक के नियम के आधार पर। अपने सामान्य ऑक्सीकरण अंक के नियम हो गए कंप्लीट, अब अपने ऑक्सीकरण अंक के अपवाद वाले यौगिक हैं उनका ऑक्सीकरण अंक निकालना सीखेंगे, मगर उससे पहले अपने ऑक्सीकरण अंक निकालने के नियमों के आधार पर उन यौगिकों का ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं। देखो भी पहला क्वेश्चन, K2CrO4 यहाँ पे आ जाएगा क्रोमियम,
इसका ऑक्सीकरण है, अंडरलाइन दे रखा है, उसका ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो ध्यान से देखिए योगी को, क्या आपको के का पता नहीं है? के जानते हो आप, के क्या होता है? वर्ग एक का तत्व है, और वर्ग एक के तत्व का ऑक्सीकरण अंक हमेशा क्या होता है? धनात्मक क्या हो जाएगा? प्लस वन। तो यहाँ पे के क्या हो जाएगा? प्लस वन इंटू में क्या आ जाएगा? टू। के क्या है मैं लिख देता हूँ, प्लस वन। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे? माइनस दो। सामान्यतः ऑक्सीजन माइनस दो रहता है, दो पवाद को छोड़ के सामान्यतः। अब अपने को क्रोमियम निकालना है, वो क्या आ जाएगा? एक्स। तो क्या आ जाएगा इधर की तरफ? टू इंटू प्लस वन हो गया यहाँ पे। आगे क्रोमियम क्या है? प्लस एक्स। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे? माइनस दो, और इंटू में क्या आ जाएगा? फोर। बराबर में क्या आ जाएगा? जीरो। तो क्या आ जाएगा? टू प्लस एक्स प्लस, हाँ कितना है माइनस का? माइनस का एट, और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे इधर? माइनस। बराबर में क्या आ जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स बराबर कितना आ जाएगा बताओ? एट माइनस टू। एक्स किसके बराबर हो जाएगा? प्लस सिक्स के। यहाँ तक बोला समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम्स? आगे देखो, एस पे दे दिया आपको। अब देखो अपने को किसका निकालना है? एस का। तो सबसे पहले एन ए का कितना होता है ऑक्सीकरण अंक किसी यौगिक में? प्लस वन। ऑक्सीजन का कितना होता है? माइनस दो। एस यहाँ पे क्या है? एक्स। लिख दो क्या आ जाएगा? प्लस वन इंटू में क्या आ जाएगा? टू। प्लस में क्या आ जाएगा? सल्फर कितना हो जाएगा यहाँ पे? टू एक्स। प्लस में ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस टू इंटू में क्या आ जाएगा? थ्री। और बराबर में क्या आ जाएगा? जीरो। तो इधर क्या आ जाएगा? टू प्लस टू एक्स प्लस तीन दूनी छः, माइनस के क्या आ जाएंगे? छः। और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस सिक्स बराबर क्या आ जाएगा? जीरो। अब यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा? 2x बराबर हो जाएगा 6 माइनस दो। टू एक्स बराबर कितने आ जाएंगे? प्लस के 4। x बराबर क्या आ जाएंगे? 4 बटा दो। x बराबर कितने आ जाएंगे? प्लस के 2। तो यहाँ पे x कितना है? प्लस का 2। अब आपको इतना डिफिकल्ट लग रहा है सवाल निकालना, सर ये तो चलो निकालने का तरीका हो गया, सीधे तरीके देखो आप। इसका कितना है? प्लस वन। ये कितना हो गया? माइनस का एट। तो क्रोमियम कितना होना चाहिए देखो माइनस एट के लिए? प्लस वन कितने हैं? दो बार प्लस दो हो गए, तो माइनस के आठ है, तो प्लस के कितने होने चाहिए? आठ। दो हो गए, कितने रह गए? दो ये हो गए, ये देखो दो इंटू दो, तो रह कितने गए अपने पास? छः। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो गया? छः। इसका देखते हैं अपने, ये कितना है प्लस का एक इंटू में दो, माइनस के कितने हो गए? छः। ये कितने होने चाहिए बताओ मुझे? एक सल्फर परमाणु कितना होना चाहिए? या पी ये कितना हो गया? दो प्लस के, इधर माइनस के छः, कितने रह गए प्लस के? दो कंप्लीट हो गए, माइनस छः तक बराबर लाना है प्लस को, चार रह गए प्लस के, जिनमें से क्या आ जाएंगे? एक सल्फर कितना हो जाएगा? चार में से बटे दो करके देखो दो, तो एक सल्फर कितना हो गया? दो। दो प्लस दो कितने हो गए? चार। आगे बात समझ में? एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने और, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। चलो CH4, यहाँ पे कार्बन अपने को कैलकुलेट करना है, कितना है ऑक्सीकरण है। तो यहाँ पे कार्बन के लिए अपने देखो हाइड्रोजन कितना होता है सामान्य रूप से? प्लस वन। तो कार्बन को अपने मान लेते हैं X, इसका कितना हो जाएगा? प्लस वन, और इनटू में क्या आ जाएगा? फोर। तो फोर इंटू क्या आ जाएगा? प्लस वन इक्वल क्या आ जाएगा? जीरो। तो एक्स प्लस में क्या आ जाएंगे? फोर बराबर जीरो। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस फोर। और वैसे देखना चाहो तो प्लस फोर हो गए, चार है प्लस के, प्लस वन प्लस वन, और ये क्या हो गया? जीरो। इधर से बोलो भाई यहाँ तक आ गया समझ में? एक और देखो भाई, एम एन ओ। ऑक्सीजन तो पता है इसलिए नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा कौन सा? एम एन का। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन होता है माइनस टू, तो ऑक्सीजन हो गया माइनस टू। निकालना किसका है? एम एन का। ये बराबर आ जाएगा एक्स। निकालिए क्या आ जाएगा इधर की तरफ? एक्स प्लस ये हो जाएगा माइनस टू इक्वल क्या हो जाएगा? जीरो। या आपने क्या लिख सकते हैं इसको? एक्स बराबर सीधा लिख देता हूँ प्लस टू।
तो इधर से पता ही लग गया ये माइनस की दो हो गई, प्लस का ये कितना होगा ऑटोमेटिकली कितना हो गया, प्लस का दो। यहाँ तक बोलो समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम? एक और निकालते हैं अपने। देखो H2SO4 निकालना किसका है अपने को, सल्फर का, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना होता है, सामान्य रूप से हाइड्रोजन होता है प्लस वन। ऑक्सीजन कितना होता है सामान्य रूप से, ऑक्सीजन होता है माइनस दो। आगे बात समझ में, रख दो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस वन गुणा में कितना आ जाएगा दो, प्लस में ऑक्सीकरण अंकों का योग क्या होता है शून्य, प्लस में क्या आ जाएगा एक्स, सल्फर को एक्स मान लिया, फोर इंटू इधर क्या आ जाएगा माइनस दो, और बराबर में ऑक्सीकरण अंक का वो योग कितना होगा जीरो, ठीक है। क्या हो जाएगा दो प्लस में एक्स माइनस, प्लस क्या हो जाएगा माइनस चार दूनी आठ, बराबर में क्या आ जाएगा जीरो। आगे बात समझ में, x बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस टू, और इधर की तरफ x बराबर क्या आ जाएगा प्लस के 6। यहाँ तक बोलो समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम्स? तो ये अपने कंप्लीट हो गए यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक निकालना। आगे बात समझ में, और आप निकाल के देखना, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, उसको अपने निकालना बता देंगे। आगे बात समझ में, नेक्स्ट टॉपिक अपने पढ़ेंगे भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अंक। मैं पहले बोल रहा हूँ ये सीधा पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, इससे पहले वाले शुरू से लेके एक से लेके तीन या चार पार्ट तक आप पढ़ना, उसके बाद में आज वाला पार्ट समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ओके, स्टे सेफ एंड स्टे होम।